जय श्री कृष्ण एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। ये कट रहे हैं आलू के चिप्स। ये आलू को इसमें फंसा रहे हैं, स्प्रिंग है। और अब देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे लग रही है चूल्हे में आग। इसके बाद पानी उबाल कर उसमें चिप्स उबालेंगे। आलू तो काट चुके हैं रात को हम लोग ना। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, आलू की चिप्स उबालेंगे। ये रही हमारी बेर। ये रही मेरी चाय, और चाय के बाद ही झाड़ू रेडी है। यहाँ पर मम्मी ने पानी में नमक डालकर पानी उबालने रख दिया है। यहाँ पर काटे हुए आलू के चिप्स डाल दिए हैं उबालने के लिए। चिप्स उबालने के बाद यहाँ पर हम कपड़े के ऊपर एक एक चिप्स को फैला कर रख रहे हैं सूखने के लिए। आलू कट करते टाइम पता ही नहीं चलता कि कितना काट रहे हैं, और देखते ही देखते हमने इतने सारे चिप्स बना डाले। ए, चल उपमा बना। उत्पम, कितने सारे चिप्स बन गए हैं, अब हम खाएंगे। वीडियो में दिखाएंगे फिर। The next day. फाइनली हो रहा है हेयर कट, छोटे छोटे करा ले। और ये देखिए कितनी सारी बेर हो रखी हैं हमारे छत में ही। और ये देखो सारी बेर। इस साइड का कट के कितना क्लीन सा हो गया है। अभी साइड का नहीं कटा है तो ऐसा है। पिछली बार जब मैंने दीदी का हेयर कट व्लॉग डाला था, इतने सारे कमेंट्स आए थे, पर आज तक इवन आते हैं कि नेक्स्ट टाइम पूरा हेयर कट व्लॉग डालो, पूरा वीडियो डालो। फाइनली आज ही मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप व्लॉग डाल दिया है, और उस वीडियो में आप सबने इतना प्यार दिया है हमारे वीडियोज को, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार करते रहिए हमारे चैनल को। लग रहा है बेहोश करके कटिंग करा रहे हैं क्या, मुंडी गिराई हुई है। बब्बा लोगों की कटिंग करने में सही रहता है, फटाक से ट्रिमर चला दो। 5 minutes later. हाँ ठीक लग रहा है। नहीं ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही जैसे पापा बचपन में हेयर कट करते थे ना, इतनी देर हो जाती थी, लगता रोना आएगा, अब जाने दे। जब कान के पास से करते थे लगता था कान ही कटेगा डायरेक्ट, लगता था अब जाने दे रोना। अच्छा तो हमारा रोने जैसा मुंह बना ही रहता था। मम्मी आती थी देख के हंसती थी, बोलती थी वही गो ही घर आए दे, बहुत देर से काट रहे। सबसे पहले भैया को फेंकते थे बलि का बकरा। तभी तो रोना था। बहुत देर है पिताजी, वो एकदम बराबर करते रहते हैं ना, क्या अभी थोका है, रुका अभी रुका। नहीं मैसा तभी वही हो रहा।
संडे को नहलाना भी रहता था तो रगड़ रगड़ के उसे बॉडी लाल हो जाती थी। उसमें भैया फर्स्ट नेग मांग रही है मुंडन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मुंडन तो नहीं हो रहा। बार बार थोड़ी नेग मिलेगा। मोर का पंख नहीं, तू कब से कटाती आ रही है, पूरे पूरे लॉकडाउन से कटाती आ रही नेक। अब अंगूठी लेंगी डायरेक्ट। मांग मांग दीदी वीडियो वाले से सब ले, अंगूठी भिजवा दो। वो भी तो लेंगे कटिंग वाले भी। पिता जी भी अपना काम बड़े परफेक्शन के साथ करते हैं, चाहे उसमें कितना ही टाइम लग जाए। One eternity later. अब लास्ट में जो मसाज देते हैं इन लोग बार भी वीडियो पे सारे तो नहीं खड़ा रहे। ओहो ब्रूस कहाँ है ना, फिर नूडा इसे नीचे के गर्म पानी में बढ़िया धो कपड़ा लेके वो बाल धो पे धो ले और छत आ जा जल्दी तो सूख जाएंगे सर। ये तो नहीं ना बोल दिखा हो गया है कट, रेडी है कल के लिए। The next day. अगले दिन मम्मी हमारी पड़ोस वाली आंटी के साथ मिलकर मूंग दाल की बड़ी बना रही थी। जब हम जोधपुर में रहा करते थे वहाँ पर हमने बहुत लोगों को देखा था ये मूंग की बड़ियाँ बनाते हुए। मम्मी ने वहाँ पर आंटी लोगों से सीख लिया था और अब हम खुद घर पर बना लेते हैं। जल्दी हो रहा दीदी। हाँ सही है इससे। ये तो लग रहा है नमकीन जैसे बना रहे। उस दिन चावल की बनाएंगे तो इसी में बना लेंगे। ये उठ गया है। क्या है नंगू, अपने आप को दिखाओ। अरे अरे देखो भाई, देखो ये सारी बरी बन गई है। कल इसको तुम पलटा दो ना आके। अब इसका ध्यान रखना। एक साल के होते तो चिपकन के चलो 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 चलो। हाँ एक साल का होता तो भाग लेता इधर उधर। शांत हो गया बढ़िया। वो देखो हम इसको लेके खड़े हो गए ना तो कितना मजा आ गया उसको। शैतान।